नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S21 FE 5G versus Xiaomi Mi 11T Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S21 FE 5G में 6.13 इंच जबकि 11T Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो S21 FE 5G में 2.93 इंच जबकि 11T Pro 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो S21 FE 5G में 0.31 इंच जबकि 11T Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि S21 FE 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S21 FE 5G में 177 ग्राम्स जबकि 11T Pro 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि S21 FE 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S21 FE 5G में डायनामिक AMOLED जबकि 11T Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो S21 FE 5G में 19:5:9 जबकि 11T Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S21 FE 5G में 6.4 इंचेस जबकि 11T Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S21 FE 5G में 1080x2340 और 11T Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S21 FE 5G में 86.49% जबकि 11T Pro 5G में 85.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S21 FE 5G में 403 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11T Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S21 FE 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 11T Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S21 FE 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11T Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S21 FE 5G में Mali G78 MP14 जबकि 11T Pro 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S21 FE 5G में Samsung Exynos 2100 और 11T Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो S21 FE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है जबकि 11T Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो S21 FE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 11T Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S21 FE 5G में Android V12 जबकि 11T Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी S21 FE 5G में 4500 mAh जबकि 11T Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो S21 FE 5G में 4 कलर्स जबकि 11T Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो S21 FE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 58,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 11T Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy S21 FE 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11T Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में S21 FE 5G आगे है, मेन कैमरा में 11T Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S21 FE 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।